विश्व की सबसे लंबी चीन की दीवार के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप भारत में स्थित विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के बारे में भी जानते हैं? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान के 6 किले विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं, जिनमें से एक है कुंभलगढ़। इस किले की यही वो दीवार है जो कहलाती है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी और इसकी औसत चौड़ाई 15 फीट है, जबकि कहीं कहीं ये दीवार लगभग 49 फीट तक चौड़ी है। कहा जाता है कि इस दीवार पर 8 से 12 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। समुद्र तल से 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बने इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने प्रमुख वास्तुविद माइन की देखरेख में करवाया था। ऐसी मान्यता है कि दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक के पौत्र सम्राट संप्रति द्वारा बनाए दुर्ग के अवशेषों पर इस किले का निर्माण किया गया। इस किले के निर्माण में काफी अड़चनें आईं, जिससे इस किले को बनकर तैयार होने में 15 सालों का लंबा समय लगा। 1443 से लेकर 1458 तक इसका निर्माण कार्य चला। निर्माण पूरा होने की खुशी में महाराणा कुंभा ने किले के नाम के सिक्के भी बनवाए। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा किला कुंभलगढ़ अरावली पर्वत श्रृंखला पर बना है। ये किला 7 विशाल द्वारों और सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इन द्वारों को स्थानीय बोलचाल में पोल भी कहते हैं। किले में 360 से भी ज्यादा सुंदर मंदिर और आवासीय इमारतें बनाई गई हैं। अपने शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध इस इमारत में यूं तो कई खूबसूरत महल हैं, लेकिन बादलों की ऊंचाई तक ले जाता ये बादल महल लोगों के बीच में खासा लोकप्रिय है। ये महल दो भागों में बटा है, मर्दाना और जनाना। इस महल के शानदार कमरे पेस्टल रंगों से निर्मित भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं। साथ ही महल के मंडप अद्वितीय वातानुकूलन पद्धति के लिए विख्यात हैं। शीर्ष भाग पर बने इस महल की छत से अरावली की पहाड़ियों, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और दूर स्थित थार रेगिस्तान की रेत को बखूबी देखा जा सकता है। कुंभलगढ़ महज एक किला नहीं बल्कि एक अजेय दुर्ग है। सीधे हमलों में ये किला सदा अभेद्य रहा। बस एक बार इसे हार का मुंह देखना पड़ा जब किले में पीने के पानी का अभाव हो गया। इसका फायदा उठाकर मुगल शासक अकबर, आमेर के राजा मानसिंह, मारवाड़ के राजा उदय सिंह और गुजरात के सुल्तान की सेनाओं ने संयुक्त रूप से मिलकर किले को घेर लिया और किले की सेना पानी की कमी के चलते हार गई। कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाए गए इस किले को एक अलग ही प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है। इस किले की समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया, वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस किले को यथासंभव स्वावलंबी बनाने के सारे प्रयास किए गए थे। लोक कथा है कि महाराणा कुंभा अपने इस किले में रोजाना 50 किलो घी और 100 किलो रुई के बड़े बड़े लैंप जलाया करते थे, जिससे रात में घाटी में काम कर रहे किसानों और मजदूरों को प्रकाश मिल सके। कुंभलगढ़ न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि ये राजपूत सैन्य वास्तुकला का भी जीता जागता उदाहरण है। दुश्मनों के लिए सदा अभेद्य रहा ये दुर्ग इतिहास की कई अजेय कहानियों को खुद में समेटे है, तो क्यों ना इस बार राजस्थान के राजसमंद में जाकर कुंभलगढ़ के इस दुर्ग को और करीब से देखा जाए।